सबसे पहले हमने ले लिया है 1 लीटर दूध। 1 लीटर को दूध को अच्छे से 2 बार हमने उबाल दिया है और यहाँ पे मोटी मलाई पड़ गई है। तो चलिए सबसे पहले इस मलाई को हम अच्छे से एक बाउल में रख लेते हैं और इस मलाई को हम इसी रेसिपी में यूज करेंगे। और आप देखिए, तो चलिए इसको हम साइड कर देते हैं। तो मलाई को हमने साइड कर दिया है और यहाँ पे लिया है एक मिक्सी जार। यहाँ पे हमने 2 पीस केला लिया है जो गले गले केले हैं। मालपुआ कभी भी बनाएं तो गले केले का यूज करें, कच्चे का नहीं। तो चलिए यहाँ पे केला को हमने डाल दिया है और डालेंगे यहाँ पे दूध। दूध को डालेंगे करीबन, हम इस रेसिपी को बनाएंगे हम 1 कटोरी मैदा से, तो जितना मैदा में दूध आएगा उतना ही हम डालेंगे। और यहाँ पे हमने डाल दिया है चीनी, 4 चम्मच चीनी डालेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि केला भी मीठा है और दूध भी। तो चीनी को हमने यहाँ पे डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्सर जार में हम पीस लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने पीस के अच्छे से रख लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इस मिक्सर को हम साइड में करते हैं और लिया है एक बाउल। बाउल में डालेंगे उसी मिक्सर को जो मैंने पीस के रखा है। और मैदा को हमने ले लिया है 1 कटोरी और 2 चम्मच डालेंगे एक साथ, पूरे मैदे को नहीं डालेंगे, थोड़ा ही थोड़ा करके हम डालेंगे। तो चलिए इसको हम अच्छे से पहले फेंट लेते हैं। और इसको फेंटते फेंटते हमको एक साथ मैदा को पूरे नहीं डालने हैं, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे यानी गुठलियाँ। तो चलिए फेंट लेते हैं और ये देखिए हमारा मैदा अच्छे से फेंटा रहा है। अब यहाँ पे हमको लग रहा है कि मैदा हमारा थोड़ा सा, और हमको आधा मैदा अभी हम इसको यूज करना है। तो चलिए इस मैदे को फिर डाल देते हैं, जो आधा बचा है सभी को डाल देते हैं। और यहाँ पे डालने के बाद हमको लग रहा है दूध भी थोड़ा सा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सादा दूध रखे हैं, उसको थोड़ा सा मिलाएंगे 2 चम्मच के बराबर, फिर कम पड़ेगा तो और डालेंगे। तो चलिए पहले हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको आटा भी डाल सकते हैं, सूजी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज मालपुए को बनाऊँगी केवल मैदा से। और आप कभी भी मालपुआ बनाएं तो मैदा को फेंटने के बाद आप 10-15 मिनट तक इसको अच्छे से रख दीजिए ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो यहाँ पे हम जो मलाई उतार के रखे हैं उसको डालेंगे उसी मिक्सी जार में। तो मलाई को हम बना रहे हैं मलाई मालपुआ, इसलिए हम मलाई को अच्छे से यहाँ पे निकाल लिए हैं। और डालेंगे यहाँ पे 2 चम्मच चीनी, ज़्यादा चीनी को नहीं डालना है, कहें कि पहले भी हमने इसमें आटा में मैदा में डाल दिए हैं चीनी। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट है, आप देख सकते हैं सूखा नारियल है और बादाम है और काजू। तो यहाँ पे हम सभी ड्राई फ्रूट को डाल देते हैं। और 4-5 छोटी इलायची के दाने हमने निकाल के रखे हैं, इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं। कभी भी मालपुआ बनाएं तो ड्राई फ्रूट को काट के ना डालें, नहीं तो मालपुआ अच्छे से खिलता नहीं है यानी फूलता नहीं है। तो देखिए हमारा मिक्सर यहाँ पे तैयार हो गया है, ये देखिए गाढ़ा है, इसको पतला नहीं करना है। तो चलिए इसको हम साइड रख देते हैं। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि हमारा मैदा जो हमने घोल बना के रखा है तो इसी कंसिस्टेंसी में हमको चाहिए, ज़्यादा पतला और नहीं तो ज़्यादा मोटा। तो देखिए हमने यहाँ पे रख दिया है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिए हैं रिफाइंड। तो ये चेक कर लेते हैं तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, मैदा खिल गया है बढ़िया से। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। और बहुत ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालना है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा, मीडियम फ्लेम पे डालना है। तो चलिए इसको निकालने के बाद यहाँ पे हम लेंगे एक कलछुल। कलछुल बड़ा लीजिए या छोटा लीजिए, जिस हिसाब से आपको बनाना है। तो यहाँ मैंने मीडियम साइज़ का 1 चम्मच लिया है बड़ा वाला। तो चलिए 1 चम्मच इसमें हम डाल दिए हैं, बस इसको छेड़ना नहीं है, कुछ टाइम तक हमको इसको छोड़ देना है। और इस पलटे के सहारे से तेल को उछालना है ताकि जो हमारा मालपुआ है अच्छे से सिक जाए ऊपर से। तो इसको धीरे से, ये देखिए कितना फूला फूला बन के तैयार हुआ। तो चलिए इसको हम पलट देते हैं। और पलटने के बाद आँच को हम थोड़ा सा और लो मीडियम पे कर देंगे ताकि बढ़िया से मालपुआ सिक जाए, अंदर से कच्चा ना हो। तो ये देखिए कितना फूला फूला मालपुआ बन के तैयार हुआ ना। तो इसी तरह हमको तेल को इस पर उछालना है। और एक मालपुआ एक ही बार में बनेगा और आराम आराम से
फूलते जाएगा। तो चलिए इसको हम अच्छे से पलट देते हैं। ये देखिए, जब भी मालपुआ बनाएं तो बहुत बड़ी कढ़ाई न लें, कढ़ाई को की साइज़ छोटा लें, ताकि जो आराम से मालपुआ बढ़िया से एक एक पीस बन के तैयार हो। तो चलिए इसका हम इसका जो एक्स्ट्रा तेल है छान के इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो चलिए इसको अच्छे से रख देते हैं। एक पीस और मालपुआ हम बना के दिखाते हैं। और मालपुआ कभी भी बनाएं तो 2 घंटा या 1.5 घंटा उसको रेस्ट पे रखें, और बहुत बन के बहुत बढ़िया फूली फूली मालपुआ बन के तैयार होते हैं। तो चलिए एक पीस और बना के दिखाते हैं आपको। और इसका फ्लेम एकदम मीडियम रखें, बहुत ज़्यादा हाई रहेगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे, और एकदम लो रहेंगे तो बहुत ज़्यादा तेल को सोख लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे रखें और तेल को इसी तरह उछालते रहें। जैसे धीरे धीरे उछालते जाएंगे मालपुआ आपका ऊपर आते जाएगा और फूली फूली मालपुआ बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए, हमारा ये भी मालपुआ फूल गया। सभी मालपुए फूले फूले बनेंगे। और इसको हम पलट देते हैं, और पलटने के बाद इसको हम और इस पर तेल उछाल देंगे। जैसे तेल उछालते जाएंगे वैसे ही मालपुआ आपका फूले फूले बन के तैयार होंगे। मालपुआ को चीनी से भी बनते हैं, गुड़ से भी बनते हैं। आप चाहें तो इसको सूजी से भी बना सकते हैं या गेहूं के आटे से। तो आज मैं मालपुए को बना रही हूँ केवल मैदे से। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। मालपुआ हमारा ये भी तैयार हो गया। और जितना कम मतलब मैदा डालेंगे तो उतने ही बढ़िया बढ़िया फूले फूले होंगे। ज़्यादा मैदे को एक साथ डाल देंगे तो बढ़िया से वो फूले फूले नहीं बनते हैं। तो देखिए, इसको भी हम अच्छे से निकाल लेते हैं, आप देखिए। तो चलिए सभी मालपुए को हम अच्छे से छान के रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मालपुआ बढ़िया से सब रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम सर्व करते हैं। जो हमने मलाई मिक्सर बना के रखा था उसको हम इसी मालपुए पे डालेंगे। और इस तरह का मालपुआ आप लोग ज़रूर बनाइए, खाइए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।